पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित करने संभल लोकसभा क्षेत्र के चंदौसी स्थित मौलागढ़ के मैदान में 3:15 पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, इसीलिए संभल के लोग भी देश को पीछे ले जाने वाली सपा बसपा कांग्रेस को नहीं बल्कि भाजपा के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को वोट देकर लोकसभा में भेजने का काम करें। वैसे भी ये सीट भाजपा के खाते की सीट है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो देश को पीछे ले जाने का काम करे, जिन्होंने मोदी रोको गठबंधन बनाया, क्योंकि उनका गठबंधन बनाने का मकसद तो अपने आप को बचाना है और आतंकवाद को बढ़ाना है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा को वोट देकर विजयी बनाने का आह्वान किया। इस चुनावी जनसभा में भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, राज्य मंत्री गुलाबो देवी, केंद्रीय और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मंजू दिलेर, जयपाल सिंह व्यस्त, गुन्नौर विधायक, पालिका अध्यक्ष इंदू रानी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंघल, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश सैनी, राजेश शंकर के साथ और भी लोग मौजूद रहे। यहाँ पर कुछ किसान भी बैठे हैं ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बैठे हैं अंतरिम बजट के अंदर एक उन्होंने घोषणा की, हम एक वर्ष में चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो उसको 6,000 रुपए साल में देने का काम करेंगे। कुछ लोगों के खाते में पहली किस्त पहुंची कि नहीं पहुंची? पहली किस्त पहुंची, 2,000 की आपको किस्त पहुंचाने का काम अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, 24 घंटे 20 घंटे और 18 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया है, केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार के माध्यम से विकास करने का काम किया है, सड़कों को जाल बिछाने का काम किया है, तो मैं आप सब लोगों को यहां पूछा है, आपके खाते में अगर 2,000 दिया है मेरे मित्रों, तो मेरे सेना के जवानों ने देश के दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए किसानों के लिए 2,000 रुपए की किस्त आई है, लेकिन एक किस्त पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों में भी गई है, वो 1,000 किलो का बम गिराने का काम किया गया। यह बदला लेने का काम अगर हमारी सेना ने किया है तो जिनको शर्म आती है, जिनको शक होता है, उनको मैं कहना चाहता हूं अब तो मुकदमा जनता की अदालत में है। अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया है, हमारी सेना ने गौरव बढ़ाने का काम किया है, तो अब देश की जनता अपना फैसला सुनाने का काम करेगी। अगर सीधे मोदी जी को चुनने की बात होती तो मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर श्री राहुल गांधी ठहर पाते क्या? नहीं ठहर पाते, जीरो पे रहते। लेकिन सीधे नहीं चुनना है, मोदी जी को शक्तिशाली और बलशाली प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें उत्तर प्रदेश से 73 से अधिक सांसद जिताने का काम करना है। फेल हुआ कि लोगों को मालूम पड़ गया कि ये गठबंधन नहीं है, यह स्वार्थ का गठबंधन है, यह भ्रष्टाचार की सजा मिलेगी उससे बचने का गठबंधन है, या इस देश में मजबूत सरकार बनाने का गठबंधन है, या मजबूत सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। अगर मोदी जी रहेंगे तो बताइए क्या आप गरीबों को लूटने वाले, देश को लूटने वाले बच पाएंगे क्या? जिन्होंने लूटा है बहुत कुछ वसूली हो गई है। कल मैं भी चौकीदार हूं, एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आप में से कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा, और उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया देश के अंदर 8 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों को अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था जो थे ही नहीं, और उसमें 1,00,000 करोड़ से अधिक रुपया यह कांग्रेस सपा बसपा के दलाल खा जाया करते थे। अब मोदी जी एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, वो कहते हैं हम मोदी जी को आने नहीं देंगे, और देश की जनता कहती हम मोदी जी को जाने नहीं देंगे। अब वो नेता लोग मिलकर के कह रहे हैं हम जाने नहीं आने नहीं देंगे, और जनता जिनके पास आशीर्वाद दे करके, 2014 में भी आपने हमें आशीर्वाद दिया, 2017 में भी आपने हमें आशीर्वाद दिया, कमल खिलाने का काम किया, तो यह परिवर्तन आपको देखने को मिला। लाठियां बरसती थी, प्रयागराज का कुंभ हो या कोई भी हमारी यात्रा हो, उस यात्रा में अड़चन डालने का काम, उसमें बाधा डालने का काम श्री अखिलेश यादव जी की सरकार हो और चाहे उनके बुआ जी की सरकार हो, चाहे उनके पिताजी की सरकार रही हो, कभी भी सम्मान के साथ हमारे लोगों को कार्यक्रम अपनी यात्रा भी नहीं कर, धार्मिक यात्रा भी नहीं करने दिया जाता था। लेकिन आज चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे कुंभ यात्रा हो, आज आपने जब सरकार बना दिया
उस यात्रा के ऊपर पुष्प की वर्षा होती है, अब लाठी की वर्षा नहीं होती है। आज यह परिवर्तन आपने लाया है। गुंडागर्दी का आम अगर आज हुआ है तो उसका कारण एकमात्र आप है कि आपने अगर आशीर्वाद देकर के हमें 325 विधायक नहीं दिए होते तो यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, आपका केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन अगर आज आपने यूपी में सरकार दी है तो हमारी पूरी कोशिश है वह सरकार आपकी सरकार साबित हो। मैं अगर कार्यकर्ता के नाते इस सरकार का उप मुख्यमंत्री हूँ तो मैं कह करके जाता हूँ हर सभा में, आज यहाँ भी दोहरा रहा हूँ, कोई कार्यकर्ता चाहे मेरे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे मेरे जिले का अध्यक्ष हो, चाहे कोई क्षेत्र का पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश का पदाधिकारी हो, अगर कार्यकर्ता के नाते केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री है तो आप भी अपने को उप मुख्यमंत्री से कम मत समझिएगा। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ।